सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में अब आने वाला है एक बड़ा क्लाइमैक्स, या फिर कहें तो क्लाइमैक्स तो पहले ही आ चुका है, अब बारी है उस क्लाइमैक्स के बाद की हैप्पी एंडिंग को देखने की, जो फिलहाल थोड़ी दूर है। अब आप तो जानते ही हैं कि देव को सोनाक्षी के बारे में सब कुछ सच पता चल गया है, और साथ ही ये भी पता चल गया है कि सोनाक्षी ने कभी उसको धोखा नहीं दिया था, और उनकी प्रेम कहानी की असली विलन थी खुद देव की माँ यानी ईश्वरी। अब जाहिर है कि ईश्वरी की वजह से जो गलत फहमियाँ सोनाक्षी के लिए देव के मन में पैदा हुई थी, और जो इतने साल वो अपनी बेटी से दूर रहा, इस बात का देव को काफ़ी दुख है। इसके साथ ही देव अपनी माँ से भी खफा है कि उसने देव, सोनाक्षी और सोहा की जिंदगी के 7 साल खराब कर दिए, क्योंकि इन 7 सालों में देव अपनी बेटी सुहाना को वो प्यार नहीं दे पाया जो एक बच्चे को अपने बाप से मिलना चाहिए था। इसके साथ ही ईश्वरी को अपनी गलती का एहसास तो होगा ही, लेकिन देव सुहाना को घर लाने की बात पर ईश्वरी को साफ इनकार कर देगा, यानी कुल मिलाकर अब ईश्वरी पड़ जाएगी अकेली, क्योंकि देव के साथ साथ अब बाकी घर वाले भी ईश्वरी को दोषी ठहराएंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सोनाक्षी और अपनी बेटी सुहाना को वापस पाने के लिए क्या देव अपनी माँ की गलतियों की माफ़ी मांगेगा, या उसे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि सच पता चल गया है और जाहिर है कि देव सोनाक्षी और अपनी बेटी से दूर तो नहीं रह पाएगा और उनको पाने की हर कोशिश करेगा। अपने फेवरेट सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट।